हेलो, मैं डॉक्टर रमेश चंद। इस वीडियो में हम आज फिर से वेल्स इन प्लाज्मा और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। इससे पूर्व का जो वीडियो था उसमें हमने इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव, जो कि थर्मल मोशन के अंतर्गत प्रोड्यूस होती है की बात हमने की थी, और उसको निकालते समय जो अप्रोक्सीमेशंस हमने लिए थे उसमें ये देखा था कि जो ऑसिलेशंस है वो इतने फास्ट थे कि आयंस का जो मास है वो बहुत अधिक होने से उनको रेस्पॉन्ड करने का टाइम नहीं मिल पाता है, जिससे वे अपने स्थान पर फिक्स रहते हैं और केवल इलेक्ट्रॉन अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड ऑसिलेशन कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी हमने अप्रोक्सीमेशंस वहाँ लिए थे और उन अप्रोक्सीमेशंस का इस्तेमाल करते हुए लीनियराइजेशन कंडीशंस लगाते हुए इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम में डिस्पर्शन रिलेशन निकाला था, जिसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर पी प्लस 3/2 वी स्क्वायर टी एच ए स्क्वायर के बराबर डिराइव की थी, और उसमें जो टर्म थी डिफरेंट टर्म उनको भी हमने वहाँ एक्सप्लेन किया था। आज हम आयन वेव्स की बात करेंगे। आयन वेव्स की बात करने से पहले आइए फिर साउंड वेव्स की बात करें, क्योंकि टर्म है जो आयन वेव्स में उपयोग में आएगी। नेवियर स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए, जब किसी न्यूट्रल गैस के लिए साउंड वेव की इक्वेशन डिराइव करने के बाद जो वेलोसिटी प्राप्त होती है उसका मान गामा के टी अपॉन एम पावर हाफ और गामा पी जीरो अपॉन रो जीरो पावर हाफ के बराबर प्राप्त होता है, जहां गामा न्यूट्रल गैस के लिए थर्मोडायनामिक कांस्टेंट होता है, पी जीरो उस गैस का प्रेशर है, रो जीरो उस गैस का इक्विलिब्रियम में डेंसिटी है, टी टेम्परेचर है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एम न्यूट्रल गैस के मॉलिक्यूल्स और एटम्स का मास है। जो वेव है प्रेशर वेव के रूप में फ्लो होती है और वो एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में कोलिजियन के माध्यम से प्रोपगेट होती है। आयन वेव्स में भी इसी तरह से एक दूसरे को चार्ज के माध्यम से एनर्जी ट्रांसफर करते हैं,
और क्योंकि आयन वेव्स में मैसिव आयन्स इन्वॉल्व होते हैं, अतः लो फ्रिक्वेंसी पर प्लाज्मा का जो इक्विलिब्रियम है वो अनडिस्टर्ब्ड होने के कारण प्लाज्मा एप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अनुसार इक्विलिब्रियम में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ आयन्स दोनों आपस में बराबर हैं और इनको हम इक्विलिब्रियम डेंसिटी एन के बराबर ले सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में आयन फ्लड की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, एम एन डेल वी वन अपॉन डेल टी प्लस वी वन डॉट डेल वी वन इक्वल टू ई एन ई वन माइनस ग्रेडियंट पी आई, जहां ध्यान रखिए एम आयन का मास है, एन इक्विलिब्रियम डेंसिटी है, वी वन आयन की वेलोसिटी है, ई वन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, पी आई आयन प्रेशर है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के रूप में लिखा जाता है, इसका इस्तेमाल हम यहाँ भी करें तो E1 के स्थान पर हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस ई एन ग्रेडियंट फाई पी आई, जो कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था गामा आई के टी आई एन के बराबर होता है। जब वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस गामा आई के टी आई ग्रेडियंट एन। इस इक्वेशन का लीनियराइजेशन के पश्चात फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन के अंदर अंतर्गत जो सिंप्लीफिकेशन है वो इस तरह से प्राप्त होता है, माइनस आयोटा ओमेगा एम एन जीरो वी आई वन इज इक्वल टू माइनस ई एन जीरो आयोटा के फाइव वन माइनस गामा आई के टी आई आयोटा के एन किसी जवर पेशन पर। जहां तक इलेक्ट्रॉन की बात करें, आयन्स की तुलना में उनका मास नेग्लिजिबल होगा और जो बैलेंस फोर्स है इलेक्ट्रॉन का उससे हमको मिलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, जो कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बराबर भी है, का मान होगा एन जीरो ई टू दी पावर ई फाइव वन अपॉन के टी, वेयर टी इज द इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर। पर्टर्बेशन डेंसिटी एन वन एन माइनस एन जीरो के बराबर होगी उस परिस्थिति में जब एन की वैल्यू हम यहाँ से रख दें, एन वन हमको मिलेगा एन जीरो ई टू दी पावर ई फाइव वन अपॉन के टी माइनस एन जीरो। एन जीरो दोनों में से कॉमन आ रहा है, अंदर हमारे पास बचेगा ई ई फाइव वन अपॉन के टी माइनस वन। या एन जीरो इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्लाज्मा डेंसिटी है, यूजिंग दी टेलर एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल और केवल कुछ टर्म्स क्योंकि ई फाइव वन अपॉन के टी बहुत स्मॉल है, फर्स्ट टू टर्म्स हम यहाँ लिख रहे हैं, बाकी को गुण मान के छोड़ रहे हैं, जिससे वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एन वन
इक्वल टू मिलेगा एन जीरो ई फाइव वन अपॉन के टी वन। तीसरी जो इक्वेशन हमारे लिए उपयोगी है वो है कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन का आयंस के लिए यूज करके लीनियराइजेशन करने के बाद जो रिजल्ट हमको मिलता है वो है आयोटा ओमेगा एन वन इक्वल टू एन जीरो आयोटा के वी आई फाइव। ये इक्वेशन तीन है। इस प्रकार हमारे पास तीन इक्वेशन हैं, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री, और तीन ही हमारे पास अननोन कोऑर्डिनेट हैं एन वन वी आई वन और फाई वन। इन तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके वन बाई वन जो अननोन है या वेरिएबल टर्म है एन वन अथवा वी आई वन अथवा आई वन, उनको जब आपस में रिप्लेस करें तो अंत में हमको वी आई वन के रूप में जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो इस तरह से होगी आयोटा ओमेगा एम एन जीरो वी आई वन इजिकल टू टी एन जीरो आयोटा के टी एफ ओन एन जीरो ई प्लस गामा आई के टी आई आयोटा के एन जीरो आई के अपॉन आयोटा ओमेगा वी आई। वी आई वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो अल्टीमेटली दिस इक्वेशन गिव्स अस द ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर के टी ई अपॉन एम प्लस गामा आई के टी आई अपॉन। ये जो रिलेशन है इसमें ये ध्यान रखिए कि ये जो के आ रहा है ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट है और ये जो दो के आ रहे हैं ये वोल्टवेन कांस्टेंट है जो कि टी के साथ है, इसका ध्यान रखना है। इसको जब और सिंप्लीफाई करें तो ये ओमेगा बाई के रूप में हमको प्राप्त होगी ओमेगा बाई के इक्वल टू के टी ई अपॉन एम प्लस गामा आई के टी आई अपॉन एम पावर हाफ। ये आयन वेव की वेलोसिटी है, फेज वेलोसिटी है और ये साउंड वेलोसिटी के बराबर प्राप्त होती है। अंतर ये है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों ही क्योंकि ओसिलेशन में भाग ले रहे हैं तो दो टर्म हमको प्राप्त हो रही है। जब ग्रुप वेलोसिटी ज्ञात करें तो ग्रुप वेलोसिटी की डेफिनेशन के अनुसार ये डी ओमेगा अपॉन डी के बराबर होती है। जब इस इक्वेशन में हम डी ओमेगा अपॉन डी का मान ज्ञात करें तो वो इसी के बराबर प्राप्त होता है। अतः आयन वेव एक ऐसी वेव है जिसकी ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी आपस में एक दूसरे के बराबर है। ये जो डिस्पर्जन रिलेशन है ये या ये आयन अपस्थिक वेव्स का डिस्पर्शन रिलेशन है जहां ये जो टर्म है ये साउंड स्पीड है प्लाज्मा में। चूंकि आयन्स वन डायमेंशनल कंप्रेशन के रूप में कंप्रेस्ड होते हैं अतः जो प्लेन वेव है उसमें गामा आई को हम थ्री के रूप में रिप्लेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जनरली हल्के होने से इतने तेजी से मूव करते हैं कि वे अपना टेम्परेचर हर एक पोजीशन पर इक्वलाइज करके रखते हैं, इसलिए वे एक आइसोथर्मल पार्ट
के रूप में बिहेव करते हैं, जिसके कारण हमने यहाँ गामा आई गामा ई नहीं लिया हुआ, उसको वन कर रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ गामा ई अपीयर होता, गामा ई के टी एफ एम आता। इलेक्ट्रॉन के सॉरी आयन वेव्स के लिए जो डिस्पर्शन कर्व है वो यहाँ मैंने शो किया हुआ है। आयन वेव्स आर यू सी, ये जो फिगर है इससे हमको पता लग रहा है कि आयन वेव आर बेसिकली कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वेव्स एंड एग्जिस्ट ओनली वेन देर आर थर्मल मोशंस। यू सी हियर इफ देर इज नो थर्मल मोशंस टी टी आई जीरो, सो देर इज नो आयन वेव्स। इस तरह से हमने आज देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की अनुपस्थिति में आयन वेव किस तरह से मूव करती है, जैसे कि प्रॉपर्टीज है, उसका डिस्पर्जन रिलेशन क्या है। कल के वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव मैग्नेटिक फील्ड की अनुपस्थिति में प्रोपगेट करती है, उसका डिस्पर्जन रिलेशन किस तरह से प्राप्त होता है। आज का वीडियो में यही स्टॉप कर रहा हूँ। नमस्कार।